नमस्ते आदाब, मैं हूं सद्दाम हुसैन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं न्यूज 21 राजस्थान। ये है हमारी दैनिक प्रस्तुति पाली हेडलाइंस। पाली हेडलाइंस के अंतर्गत हम देश एवं प्रदेश के साथ साथ पाली जिले की हर गांव, ठाणी से, शहर से, कस्बे से जुड़ी खबरों को हेडलाइंस के रूप में लेकर आपके बीच में रोज उपस्थित होते हैं। यदि आप अपने क्षेत्र से किसी हेडलाइंस को इसमें शामिल कराना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर का उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप पाली जिले के किसी थाना क्षेत्र से हमारे रिपोर्टर्स के रूप में काम करना चाहते हैं, हमारी परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर अपना रिज्यूम मेल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की पाली हेडलाइंस। जिला कलेक्टर अंशदीप ने जारी किया आज का कोरोना बुलेटिन। आज के कोरोना बुलेटिन के अनुसार जिले में आज आए 27 नए केस के साथ आंकड़ा पहुंचा 408, जिसमें से 263 केस हैं जिले में अब तक सक्रिय। जिला कलेक्टर के अनुसार 139 लोगों को ठीक होने पर कर दिया गया है जिले में डिस्चार्ज। वहीं जिले में 6 लोगों की अब तक कोरोना की वजह से हो चुकी है मौत। साथ ही जिले में लिए गए आज 726 नए सैंपल। जेतारण बिलाड़ा क्षेत्र के नामी वकील नारायण सिंह कल दोपहर 2:30 बजे किसी मित्र के बुलाने पर अपनी नैनो कार से निकले थे घर से, परंतु रात 8 बजे पुलिस द्वारा कार की जली हुई अवस्थाओं में चावंडिया के पास मिलने की सूचना पर पहुंचे परिजन। पुलिस द्वारा सघन जांच के बाद आज चांदावत में शव चितरिया के पास बेरी में मिला। ग्रामीणों की सहायता से निकाला गया बाहर। 2 किलो सोना पहना होने के चलते लूटपाट की जताई जा रही है आशंका। सौजत पुलिस जुटी है जांच में। आज बाली विधायक राजावत ने 4 गांवों में करीब 300 परिवारों को वितरित किया रसद। उपखंड के कुमरिया, सेंदला, सेरावा और जाकली गांवों में जरूरतमंद परिवारों को वितरित किया गया रसद। साथ ही जॉब कार्ड बनवाने की भी दी गई हिदायत। सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत ने आज क्षेत्र की महाराजा कृषि उपज मंडी का किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान किसानों को आ रही पेयजल की समस्या का संज्ञान लेते हुए SDM को दूरभाष पर बात कर व्यवस्था सुचारू करने के दिए निर्देश। आज पाली में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने लॉकडाउन के चलते आवारा गोवंश की सुध लेते हुए खिलाई लापसी। कार्यकर्ताओं ने मिलकर शहर के विभिन्न स्थानों पर मिली आवारा गोवंश को लापसी खिलाकर किया पुलिस कार्य। पाली जिले में लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों के बीच बाली उपखंड से आई कुछ खबरी। COVID-19 केयर सेंटर में उपचारत 5 में से 4 की रिपोर्ट आई नेगेटिव। उपखंड अधिकारी ने चिकित्सा कर्मियों को गुलदस्ता भेंट कर बढ़ाया हौसला। रानी उपखंड में बाहर से लौटे प्रवासियों की जारी है सैंपलिंग। NM पूर्ण भारती के अनुसार राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र जीवन कला में बोरडी के 3वें जीवन कला से लिए गए 5 सैंपल। जल संरक्षण के प्रति ग्रामीणों ने दिखाई जागरूकता। बाली प्रखर के कोठार पंचायत के अंतर्गत वेलार ग्राम में नीलकंठ तालाब पर आज गुरुवार को अवकाश के बावजूद भी ग्रामीणों ने स्वेच्छा से किया श्रमदान। पालना में प्राचीन स्वर्ण मंदिर के दरवाजे लॉकडाउन के चलते हैं बंद। मंदिर मैनेजर नरप्रीत शर्मा के अनुसार ट्रस्टी दल द्वारा कराया जा रहा है सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव। कार्यालय सहित संपूर्ण मंदिर परिसर को किया गया है सैनिटाइज। तो ये थी आज के अंक की पाली हेडलाइंस। इसी तरह की हेडलाइंस लेकर हम आपके बीच में रोज उपस्थित होते रहेंगे। यदि पाली हेडलाइंस के साथ आप अपनापन फील कर रहे हैं तो इसे सभी माध्यमों से शेयर करके मेरा और मेरी टीम का हौसला बढ़ाइए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि पाली जिले को खबरों के मामलों में आत्मनिर्भर बनाने के स्वप्न से शुरू हुए न्यूज 21 राजस्थान के माध्यम से हम आपकी आवाज को हमेशा बुलंदी से उठाया करेंगे। हम आपके बीच केवल शहर ही नहीं, हर गांव ठाणी से जुड़ी हेडलाइंस आपके बीच में ऐसे ही लाते रहेंगे। तो आप हमें मजबूत करते हुए इसे सभी जगहों पर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।